नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, दमोह जिले से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दमोह जिले में पथरिया विधायक रामबाई गोविंद सिंह परिहार आज सगरौन पहुंची हैं, क्षेत्र का भ्रमण किया, लोगों की समस्याएं अपने अंदाज में सुनी है। जी हां, दरअसल आज पथरिया की विधायक रामबाई गोविंद सिंह परिहार हटा क्षेत्र के मगरौन में भ्रमण के दौरान स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा की गई शिकायत के आधार पर ग्राम सगरौन के मंदिर में पहुंची एवं स्थानीय लोगों से चर्चा की है। एवं ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि मंदिर पर एक ही परिवार के द्वारा कब्जा कर 160 एकड़ भूमि पर खेती की जा रही है एवं प्राप्त राशि का मंदिर अथवा धार्मिक कार्यों में उपयोग न करते हुए अपने परिवार के संचालन में किया जा रहा है। इस शिकायत को सत्य भी पाया गया है। यह मंदिर पर किए गए कब्जे की शिकायत की सत्यता पाने के बाद इस संबंध में विधायक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पथरिया एवं कलेक्टर को सूचना देकर मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश भर में चलाए जा रहे शासकीय एवं जनउपयोगी जमीनों के कब्जे को हटाने संबंधी कार्रवाई सगरौन में भी किए जाने के संबंध में बात की है, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तत्काल कार्रवाई करने एवं अवैध कब्जा हटाने की बात की गई है। सुनिए जरा रामबाई के अंदाज में इस समस्या को कैसे उन्होंने अपने तरीके से हल करवाने के लिए पहल करी है। सगरौन गांव का मंदिर है और जिसमें 160 एकड़ की लगभग जमीन है। इसमें महत्तमकार एक ठाकुर हैं जो अंधियारे के रहने वाले हैं, उनके पिताजी से आ गए हुए सूखे महत्तमकार बन गए और तो उनको खुद को पशु नहीं है, हालांकि पूरी मंदिर की जगह है। और दूसरी बात, शायद जो परिवार बीजेपी में है बहुत अच्छी बात है, इनको बेटा मंडल अध्यक्ष भी है, लेकिन आज हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं, बीजेपी में जुड़े पूरे नेताओं को देख रहे हैं कि मंदिरों को निर्माण कितने अच्छे से कराते हैं, मंदिरों को आज कितनों धर्म को कितनों मानत है बेड़ो, लेकिन आज ये मंदिर के लाने हमने देखी है तो ना तो उसको कोई निर्माण है, ना उसमें कोई आज तक जैसे पहले बनो तो सिर्फ उसमें पेंट बस पुतो गए है, ना आज तक इतने कोई कथा भागवत के यज्ञ के पुराण। देवी जी तो क्या चर्चा कर रहे हैं कि देवी जी तो गाँव गाँव में घर घर बैठती है दुर्गा जी, तो ऐसे कोई निर्माण नहीं भाव में नहीं हो। मैडम से हमारी बात भई है, अध्यक्ष एस डी एम मैडम से, कि इको महत्तम कार्य एक पंडित को मनाओ जाए और जो अधिकार पंडितों के हैं, तो जो मैडम से शिकायत करी है और वे कह रहे हैं हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, आप लिखित बस कर तो लिखित हम दे दें इको कार्रवाई, और इसके माध्यम से जो कलेक्टर साहब से रेगुलर हमारी चर्चा होत रही है कि आज तक मंदिरों को बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करो जा रहा मंदिरों की जगह को, तो आपके चैनल के माध्यम से तो अनुष्ठान भाव के 25-30 गांव के आदमी बुला के कोनो निर्माण करो हो, कोनो कार्यक्रम करो हो, ठीक है, जो मंदिर की हालत देख लो है जितो सु मंदिर या बनो चलवाओ बाहर घर दिखा रहे। हम लिखित भेज रहे हैं जिसको कार्रवाई करो, महत्तम कार दूसरे बनाओ, 160 एकड़ की जमीन के आज तक ना तो मंदिर का कोई निर्माण है ना आज तक कोई